स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 देने वाले, ठीक है, कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं के दोस्तों सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सबसे बहुत ही बड़ी अपडेट बताने वाला हूँ जो कि आपका बोर्ड परीक्षा 2024 को लेकर है। ठीक है, आखिर के दोस्तों कब होगा आपका बोर्ड परीक्षा 2024, ठीक है, मार्च या फरवरी में, सारा चीज आपको दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, आप बस वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, जितना दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल पे दोस्तों पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग जो है कक्षा 8वीं 9वीं 11वीं से लेकर 10वीं 12वीं सभी विद्यार्थियों के लिए जो तैयारी होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आप भी सब्सक्राइब करके इस चैनल का हिस्सा बने और बोर्ड एग्जाम 2024 में दोस्तों तहलका मचाएं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका बाद दोस्तों एक और खुशखबरी आपके लिए। ठीक है, आपका जो बोर्ड परीक्षा है ये तो पहला खुशखबरी है कि कब होगा, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, और दूसरा भी है दोस्तों जो है अभी आपको बताएंगे, वीडियो पे आप बने रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आपका बोर्ड परीक्षा कब होगा और दूसरा खुशखबरी आपका क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 कब होगा, क्योंकि दोस्तों लगातार जो भी वीडियो अपलोड करे उसमें सभी विद्यार्थी यानी कि जो कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं के हैं वो लगातार कमेंट करे कि सर व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम में, ठीक है, या फिर कहीं भी हमें जो कमेंट मिल ही रहा है कि सर जो 8वीं 9वीं और 11वीं का जो बोर्ड परीक्षा है कब होगा। ठीक है, अभी तक सर एग्जाम डेट क्यों नहीं आया है, अब तक तो एग्जाम डेट आ जाना चाहिए। ठीक है सर, क्या होगा एग्जाम डेट, फरवरी में होगा या फिर मार्च में होगा, या सर अब जो कब होगा आप बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों फाइनली दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, और आपको जो है डरने की कोई जरूरत बात ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर दोस्तों आप 8वीं में पढ़ते हैं, 9वीं में पढ़ते हैं या फिर 11वीं में पढ़ते हैं, जैसे कि दोस्तों आपको पता हो कि 10वीं 12वीं का बोर्ड परीक्षा का रूटीन आ चुका है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा उनका कब है तो 26 फरवरी तक है। ठीक है, और 26 फरवरी के बाद दोस्तों जो एक और एग्जाम डेट का रूटीन आया है। ठीक है, एग्जाम डेट का रूटीन आया है जो कि आपका वोकेशनल सब्जेक्ट का, ठीक है, 8वीं 9वीं 11वीं का एग्जाम डेट का रूटीन नहीं है, वो जो वोकेशनल सब्जेक्ट का, और वही सारे विद्यार्थी कमेंट करके बोल रहे सर क्या सर 27, 28, 29 और 1 मार्च को मेरा एग्जाम है, नहीं, जो 27, 28, 29 क्योंकि 29 तक फरवरी होता है, ठीक है, और 1 ये जो मार्च में जो आपका जो 4 दिन जिसका एग्जाम डेट निकला है ना वो वोकेशनल सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसका वोकेशनल सब्जेक्ट होता है उसका ये एग्जाम होता, ये आपका एग्जाम नहीं होगा। तो देखिए आज दोस्तों मैं ज्यादा वीडियो को बारा नहीं करता हूँ, साफ साफ आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका जो बोर्ड परीक्षा 2024 होगा, ठीक है, ये दोस्तों आपका जो है 10 मार्च के बाद होगा। जी हाँ दोस्तों सही से सुन लीजिए, 10 मार्च के बाद जो है कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं का बोर्ड परीक्षा होगा। 10 मार्च के बाद सबसे पहले 9वीं का एग्जाम होगा, 2 दिन में समाप्त कर लिया जाएगा बोर्ड परीक्षा। उसके बाद कक्षा 11वीं का होगा आर्ट्स कॉमर्स साइंस, ठीक है, तीनों का दोस्तों तीनों स्ट्रीम को 3 दिन में एग्जाम समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद 8वीं का एग्जाम होगा जो कि 1 दिन में सारा सब्जेक्ट लेकर समाप्त कर दिया जाएगा। 10 मार्च के बाद सबसे पहले कक्षा 9वीं का एग्जाम होगा, 2 दिन एग्जाम चलेगा। उसके बाद कक्षा 11वीं का एग्जाम होगा आर्ट कॉमर्स और साइंस का, 3 दिन एग्जाम चलेगा। उसके बाद कक्षा 8वीं का एग्जाम होगा जो कि 1 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो 10 मार्च के बाद दोस्तों आपका जो एग्जाम होगा, और जो है चुनाव दोस्तों 22 मार्च से, ठीक है, तो 22 मार्च से पहले आपका जो एग्जाम जो है समाप्त कर लिया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपका दोस्तों खुशखबरी है वो भी बता देना चाहता हूँ, यानी कि आप क्लियर हो गए कि आपका 10 मार्च के बाद आपका बोर्ड परीक्षा होगा। ठीक है, क्योंकि 1 मार्च तक तो वोकेशनल सब्जेक्ट का एग्जाम है, उसके बाद टीचर रेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अब आपका जो बोर्ड परीक्षा होगा नेक्स्ट दोस्तों आपका खुशखबरी है, चलिए उसको भी रूबरू करा देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अगर आप जो कक्षा 9वीं में या फिर 11वीं में, ठीक है, कक्षा 9वीं में या फिर 11वीं में, तो दोस्तों आप सभी के लिए तहलका गेस्ट पेपर आ चुका है। ठीक है, तहलका गेस्ट पेपर आ चुका है, और ये गेस्ट पेपर से दोस्तों आप फाइनली बोर्ड एग्जाम 2024 में तहलका मचा सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों अभी तक आप इसको परचेज नहीं किया तो परचेज जरूर कीजिएगा, कैसे करना है, ठीक है, और आपको कैसे मिलेगा, चलिए वो भी हम आपको जानकारी बता देते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर आर्ट्स कॉमर्स और साइंस सभी के लिए अवेलेबल है, क्लास 11 के विद्यार्थी और क्लास 9 में आपका जो है सभी विद्यार्थी यानी कि जो तहलका गेस्ट पेपर को आप खरीद सकते हैं। कैसे खरीदना है और प्राइज कितना, सारा चीज यहाँ पर हम रख दिए हैं। ठीक है, देखिए गेस्ट पेपर का जो प्राइज है दोस्तों क्लास 9 के विद्यार्थी के लिए मात्र 30 रुपया है, क्लास 11 में अगर आप आर्ट्स हैं, साइंस हैं, कॉमर्स हैं, ऑल सब्जेक्ट का दोस्तों आपको मात्र 40 रुपया लगेगा। कितना लगेगा, 40 रुपया। फिर से सुन लीजिए, अगर क्लास 9 में विद्यार्थी हैं, अगर क्लास 9 का है तो आपको 30 रुपया लगेगा, क्लास 11 का है तो आपको 40 रुपया लगेगा मात्र, यानी कि ऑल सब्जेक्ट का 40 रुपया, चाहे आप आर्ट्स वाले हैं या फिर साइंस है या फिर कॉमर्स है, ठीक है, आपको 40 रुपये में गेस्ट पेपर मिल जाएगा। ठीक है,
गेस्ट पेपर कैसे मिलेगा? तो दोस्तों ये जो आपका व्हाट्सअप जो दिख रहा है, ठीक है, ये नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना। व्हाट्सअप पर दोस्तों आपको बताना है कि हम क्लास 9 से या फिर क्लास 11 से, ठीक है, क्लास 11 से, तो वहां पर स्ट्रीम लिख दीजिए कि आर्ट्स है, कॉमर्स है या फिर साइंस है। तो व्हाट्सअप जाइए जल्दी से कीजिए। और सबसे जरूरी बात यह है दोस्तों कि आपको जो गेस्ट पेपर कैसे मिलेगा, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा। व्हाट्सअप करने के बाद दोस्तों वहां से आपको QR कोड सेंड किया जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप दोस्तों पेटीएम यूज करते हैं तो पेटीएम से कीजिएगा, फोन पे यूज करते हैं फोन पे से, UPI से UPI से, यानी कि किसी भी तरह से अगर दोस्तों आप 40 रुपए पे कर देते हैं, ठीक है, तो आपको दोस्तों व्हाट्सअप पर ही, ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों कहते हैं कि सर ऑनलाइन मिलेगा कि ऑफलाइन मिलेगा, तो दोस्तों ऑफलाइन का झमेला नहीं है, आपको ऑनलाइन मिलेगा व्हाट्सअप पर, ठीक है। ऑनलाइन आपको गेस्ट पेपर व्हाट्सअप पर मिलेगा, 40 रुपए पे कर दीजिएगा, आपको जो गेस्ट पेपर तुरंत मिल जाएगा। जैसे ही 40 रुपए पे कीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको गेस्ट पेपर मिल जाएगा। तो जल्दी जाइए दोस्तों, बहुत ही कम ऑफर बचा है क्योंकि क्लास 11 का जो गेस्ट पेपर का प्राइस है वो 50 है और क्लास 9 का 40 है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी अगर इस वीडियो से जाते हैं तो आपको जो 40 और 30 रुपए लगेगा, यानी कि 9 का 30 और 11 का 40 लगेगा। तो जल्दी जाइए इस व्हाट्सएप पर जल्दी से संपर्क कीजिए दोस्तों। अभी आपका 20 विद्यार्थी अगर आते हैं तो उनको दोस्तों इसी रेट में दिया जाएगा 40-30 में, ठीक है। 20 के बाद वाले दोस्तों उनको लगेगा 50 रुपया। तो जल्दी जाइए और आप जो व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप में आप जो है आपको पेमेंट करने के बाद दोस्तों गेस्ट पेपर दे दिया जाए जिसका नाम है तलका गेस्ट पेपर। तो आज के इस वीडियो को दोस्तों यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी जाइए व्हाट्सएप कीजिए।